हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ रैपिडेक्स और मेरठ मेट्रो सेम ट्रैक के ऊपर कैसे चलेंगी। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम, ये वो स्टेशन होंगे जहाँ पे आपको रैपिडेक्स और मेरठ मेट्रो दोनों मिलेंगी। और प्रतापपुर, रिठानी, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, MES कॉलोनी, दौरली और मेरठ नॉर्थ, ये वो स्टेशन होंगे जहाँ पे आपको सिर्फ मेरठ मेट्रो मिलेगी। तो इन सारे स्टेशंस को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ दो ही ट्रैक्स होंगे, एक अप और एक डाउन। तो मेरठ मेट्रो और रैपिड एक्स को एक साथ चलाने के लिए जो प्लानिंग की गई है इन ट्रैक्स के ऊपर, वो की गई है स्टेशंस के डिज़ाइन में। तो ये है शताब्दी नगर का स्टेशन, यहाँ पे आपको रैपिड एक्स और मेरठ मेट्रो दोनों मिलेंगी। तो यहाँ पे हैं दो प्लेटफॉर्म, तो बीच में तो चलेगी रैपिड एक्स जिसका वायडक्ट अभी रेडी किया जाएगा, और साइड में चलेगी मेरठ मेट्रो। तो मेरठ साइड में स्टेशन के दोनों तरफ मेन लाइन के अलावा दो लूप लाइन होंगी मेरठ मेट्रो के लिए। तो सामने की साइड में है रिठानी का स्टेशन। तो स्टेशन से पहले देख सकते हो यहाँ पे दो ट्रैक्स हैं। और यहाँ पे साइड में दो ट्रैक्स को और बिछाया जाएगा मेरठ मेट्रो के लिए। तो मेरठ साइड में स्टेशन के दोनों तरफ इस तरीके से ट्रैक्स को बिछाया जाएगा। तो ये हो गई मेन लाइन, और ये है लूप लाइन जिसके ऊपर चलेगी मेरठ मेट्रो। और सेम यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी एक लूप लाइन होगी। तो ये है रिठानी का स्टेशन। तो इस स्टेशन के ऊपर रैपिड एक्स का स्टॉप नहीं होगा, तो रैपिड एक्स इस स्टेशन पे बिना रुके निकल जाएगी, और मेरठ मेट्रो के लिए यहाँ पे ट्रैक्स को बिछाया जाएगा। तो जो मेन खेल है रैपिड एक्स और मेरठ मेट्रो को एक साथ एक ट्रैक के ऊपर चलाने का, वो है टाइमिंग का। तो जब रैपिड एक्स आएगी तो मेरठ मेट्रो किसी स्टेशन के ऊपर खड़ी होगी ताकि रैपिड एक्स की लाइन क्लियर रहे। तो रैपिड एक्स में अभी है 6 कोच जिनको फ्यूचर में इंक्रीज किया जाएगा, और मेरठ मेट्रो में होंगे 3 कोच। और प्रतापपुर के स्टेशन का डिजाइन भी सेम रिठानी के स्टेशन की तरह है। तो RRTS के इस कॉरिडोर के ऊपर काफी एडवांस सिग्नल सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि रैपिड एक्स और मेरठ मेट्रो स्मूथली रन कर सके। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रैपिड एक्स और मेरठ मेट्रो सेम ट्रैक के ऊपर एक साथ कैसे चलेंगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, यही एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो थी रैपिड रेल की। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।